एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ पहले संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद अपने प्रेमी का हत्या करती है, कमर में इंजेक्शन देती है और जब उसकी मौत हो जाती है तब वो वहां से लाश को ठिकाने लगाती है और ठिकाने लगाने के बाद चले जाती है शादी में। शादी में भी शिरकत करती है और 10 दिन खूब घूमती है। 10 दिन खूब घूमने के बाद आती है और उसके लाश के जितने भी हड्डी हैं उसको सबको इकट्ठा करती है, उसके सामान को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद सबको जला देती है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है बिहार के पूर्णिया जिला का है। वहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करने वाले प्रकाश मंडल का मुलाकात जो है एक महिला से होती है, एक लड़की से होती है और जब दोनों के बीच मुलाकात होती है तो धीरे धीरे ये बात दोस्ती में बदलती है और जब दोस्ती में बदल जाती है तब ये धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। जब दोनों के बीच अच्छा प्यार चलता है तो प्यार चलने के साथ साथ दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनना चालू हो जाते हैं। इसी बीच एक और लड़की की एंट्री होती है प्रकाश के जिंदगी में। अब ये दो लड़की से प्यार करता है और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसका पहली जो प्रेमिका है, आरोपी जो प्रेमिका है, अपने प्रेमिका को ब्लैकमेल करता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ नहीं तो हम तुम्हारा अश्लील फोटो जो रखे हैं हम तुमको वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएंगे और उसमें वायरल कर देंगे। और इस बात की मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्रकाश उसको बार बार कब बुलाता है और बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। प्रेमिका इससे ऊब जाती है और एक कह देती है कि हमको अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ जो फोटो है उस फोटो को निकालो और उसको तुम डिलीट कर दो। इस बात को लेकर दोनों के बीच डील होती है और प्रेमी जो है प्रकाश मंडल कहता है कि हम इसको डिलीट कर देंगे लेकिन इसके लिए तुमको हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा। जब शारीरिक संबंध की बात आती है तो प्रेमिका भी मजबूरी थी और मजबूरी में वो भी बोलती है कि चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे लेकिन तुमको फोटो डिलीट कर देना है। दोनों की मुलाकात होती है, एक झाड़ी में जाते हैं और झाड़ी में जाने के बाद मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद शारीरिक संबंध भी बनते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद महिला जो है प्रेमिका अपने प्रेमी के कमर में नशे का इंजेक्शन दे देती है, इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्ट करने के बाद प्रेमी की वहीं पे मौत हो जाती है। ओवरडोज होने की वजह से वो वहां से उसको ठिकाने लगाती है और ठिकाने लगाने के बाद वहां से चली जाती है शादी में और शादी में जाने के बाद अच्छा से 10 दिन रहती है और 10 दिन रहने के बाद फिर आती है और लाश को जो है जो हड्डी बचती है उस हड्डी को ले जा करके एक जगह इकट्ठा करती है, उसके सामान को इकट्ठा करती है और वहां पे आग लगा देती है। जब इस बात को पुलिस की भनक लगती है तो पुलिस वहां पे एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद इस मामले की छानबीन करती है क्योंकि उसके परिजन या लड़का जो है लड़के के मामा रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसमें इस बात को लिखा जाता है कि हमारा लड़का गायब है। जब उसको पूछताछ होता है, जब पुलिस पकड़ती है इस महिला को उसके प्रेमिका को, तो ये सब का बातें खुल करके सामने आती है और बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और लड़की ने यानी प्रेमिका ने अपने प्रेमी प्रकाश मंडल को इसलिए मार दिया क्योंकि वो शारीरिक संबंध तो बनाता था और वीडियो रखा था और वीडियो रखने के साथ उसको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने के बाद जो है उसी का जो प्रेमिका है, प्रेमिका बार बार मजबूर होती थी, उसके पास आती थी और गुहार लगाते थे कि तुम डिलीट कर दो लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहा था। उसके जिंदगी में और भी एक लड़की आई थी, उसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार कर रहा था लेकिन इस बार डील हो जाती है और डील होने के साथ मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ता है। खैर आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।